हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, अगर आप ये पूरी कहानी कई बार ध्यान से सुनेंगे तो आज से ही आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो आज के बाद कभी नहीं आएंगी। इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में सच्चे मित्रों की पहचान कर पाएंगे और कभी भी जीवन में आज के कामों को कल पर नहीं छोड़ेंगे। कई बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाते हुए कहा था, किसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ रहता था। संकट और विकट नाम के दो हंस उसके मित्र थे। उनमें इतना गहरा प्रेम था कि वे नित तालाब के किनारे साथ बैठकर गोष्ठी किया करते थे। इन गोष्ठियों में वे देवऋषियों और महर्षियों की कहानियाँ सुनते सुनाते और शाम को अपने अपने ठिकाने को लौट जाते। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा सूखा पड़ा कि वह तालाब भी सूखने लगा। कछुओं के दुख को देखकर अति दुखी हुए हंसों ने कहा, मित्र, यह तालाब तो सूख चला है, अब तो इसमें कीचड़ ही बची है। हम तो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि पानी न होने पर आपकी जीवन कैसे रहेंगे। कछुओं ने कहा, बात तो ठीक है, अब आप लोग ही इसका कोई उपाय निकालिए। कहते हैं कि विपत्ति पर आने पर मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी तो धैर्य के कारण ही विपत्ति छट जाती है। समुद्र के बीच नौका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद भी उसके सवार समुद्र को तैर कर पार करने का प्रयत्न करते हैं। यही बात मनु ने भी कही है। बुद्धिमान मनुष्य को विपत्ति में पड़े हुए अपने सगी संबंधी को बचाने के लिए बराबर जुगत भिड़ाते रहना चाहिए। कभी कभी प्रयत्न मात्र से ही विपत्ति दूर हो जाती है। आप लोग पहले तो उड़कर यह पता लगाइए कि आसपास कोई ऐसा तालाब है या नहीं जो पानी से भरा हो, और फिर एक लकड़ी या रस्सी ढूंढ कर लाइए। मैं उस रस्सी या लकड़ी को बीच से पकड़ लूँगा और आप लोग दोनों सिर को पकड़कर उड़ चलिएगा। इस तरह मैं इस आपदा से उबर जाऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, परंतु आप उड़ते समय चुप रहिएगा, नहीं तो आपकी पकड़ छूट जाएगी और आप गिरकर मर जाएंगे। फिर यह तय हो जाने पर जब वे तारक को लेकर उड़े तो रास्ते में कोई सुंदर नगरी पड़ी। वहाँ के निवासी उनको इस तरह उड़ता देखकर आश्चर्य से उन्हें निहारने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो, ये दोनों पक्षी गोल मटोल चीज को लेकर उड़ रहे हैं। उनके इस कोलाहल को सुनकर तारक से रहा न गया। उसने कहना चाहा कि अरे, यह कोलाहल क्यों हो रहा है। उसका मुंह यह कहने के लिए खुला ही था कि वह ऊपर से गिरा और उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं कह रहा था कि हितैषी मित्रों की बात जो नहीं मानता, उनकी दशा लकड़ी से गिरे कछुए जैसी होती है। कहा गया है कि जो आगे का इंतजाम पहले से ही नहीं करने लगता है, जो काल करे सो आज का नीति नहीं अपनाता है, वह उस नीति पर नहीं चलता है, वह सुख नहीं पाता है। जो सोचता है कि जब पड़ेगी तब देखी जाएगी, वह तड़प तड़प कर मर जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से शिक्षा मिलती है, तो अपने जीवन में इस शिक्षा को उतारिए।